हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, सुबह के 9:30 बज चुके हैं और हम हुंदर गांव से निकल चुके हैं। अब आज हम जाएंगे थांग विलेज। लास्ट विलेज है पाकिस्तान बॉर्डर पे। पहले जब हम आए थे तो हमारे पास थोड़ा डीजल की कमी थी कि हमने सोचा कि चलो यहीं से वापस चले जाएंगे, लेकिन डिस्किट में पेट्रोल पंप मिल गया हमें। फिर हमने वहां से अपना डीजल का टैंक फुल कर लिया है और थोड़ा प्लान में चेंजिंग आ गई है कि चलो भाई यहां तक आए हैं तो थोड़ा आगे भी चले जाते हैं कि ज़िंदगी में दोबारा मौका मिले या ना मिले फिर पछतावा होगा हमें घर जाकर। तो अब हम निकल चुके हैं थांग विलेज के लिए। दोस्तों, लद्दाख बहुत ही खूबसूरत, बहुत बेहद खूबसूरत जगह है जी। हाँ, हालांकि यहाँ थोड़ी हरियाली कम है, लेकिन जो इसकी खूबसूरती है वो यहाँ आकर ही पता चलती है। एक तो ये ठंडा रेगिस्तान है, इसे दुबई भी बोलते हैं, मिनी दुबई, मिनी सऊदी अरब बोलते हैं। यहाँ के लोकल लोग जहाँ श्रीनगर के हो गए कुछ भी आते हैं रात को अपने वीकेंड पे और फिर आकर कैंपिंग करते हैं और अपना जो भी एंजॉय करते हैं, जैसे दुबई में करते हैं लोग, जाकर रात को टेंट लगा लेते हैं वो अपने रेगिस्तान में, ऐसे ही यहाँ भी करते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं लोग यहाँ पर आकर। और यहाँ पर आपने पिछली वीडियो में देखा ही होगा कि एक डबल खम कैम्बल है तो उनकी सवारी भी लोग करते हैं। दोस्तों, यहाँ इस तरफ मेरा जो मेन होता है कि मैं आप लोगों को पूरा रोड दिखाता हूँ कि रोड की कंडीशन क्या है, कैसा है ना। ये लद्दाख जितना मैंने अभी तक मैं घूम लिया, पेंगोंग हो गया, ये नुब्रा वैली इस तरफ भी आ गया, ये सारा ही बहुत खूबसूरत है। रोड 100% ओके है, कोई दिक्कत नहीं है। आप छोटी गाड़ी में आइए, बड़ी में आइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हर एक फैसिलिटी है जहाँ पर, आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी, खाने पीने की हो गई, कुछ भी चाहिए हर एक मिल जाएगा। और लोग बड़े ईमानदार हैं, जो सही प्राइस है वही लेंगे आपसे, मैकेनिक मिल जाएंगे, कुछ भी सही प्राइस पे लेंगे, कोई आपके साथ फ्रॉड नहीं करेगा, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के। और हाँ, ये लोग सफाई के बहुत, दूसरे के सफाई रखो, हमारे एरिया में आए हो तो सफाई जरूर रखो। कुछ लोगों को आदत होती है कि खाया पिया वहीं छोड़ दो या फेंक देते हैं रोड पर, ऐसा मत किया करो यार, हमारा देश है, इसे साफ सुथरा रखो। ये लोग रात को आकर कैंपिंग में, उनको चेक भी करते हैं, कुछ लड़के आते हैं रात को, हमारे साथ भी हुआ था, उन्होंने आकर रात को, हमें तकरीबन 2-2.5 बजे का टाइम था, उन्होंने उठा लिया कि भाई जो भी आपने यहाँ पर कुछ भी खाया पिया है सारा तकरीबन, क्योंकि हमने तो पॉलीथीन में डाल के रख लेते हैं, सुबह कहीं ना कहीं खड्डा निकाल के उसको दबा देते हैं। तो दोस्तों, अब हम पहुँच चुके हैं सियाचिन वार मेमोरियल। ये आर्मी ने एक छोटा सा बना रखा है यहाँ पर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए और टूरिस्ट को दिखाने के लिए। ये है बंकर, आर्मी के बंकर ऐसे होते हैं, आप देखिए और अपने बच्चों को भी दिखाइए कि ये आर्मी का बंकर है। हमारे आर्मी वाले जब बंकर में ड्यूटी करते हैं तो ये ऐसे बंकर होते हैं, इनमें रहना पड़ता है। यहाँ पर एक छोटी सी कंटीन भी, आप चाय नाश्ता कर सकते हैं और शहीदों को श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। यहाँ शहीदी स्मारक बनी हुई है। दोस्तों, ये जो नदी साथ में चल रही है, ये पाकिस्तान की तरफ से आ रही है, हमारे लिए ही, इंसानों के लिए ही सरहदें और बॉर्डर होते हैं, कुदरत के लिए कोई बॉर्डर नहीं है, कोई सरहद नहीं, कोई पाकिस्तान नहीं, कोई इंडिया नहीं, वो उनके लिए खुला है। जैसे ये नदी आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, हवा आती है, पंछी आते हैं उड़के, ये सिर्फ इंसानों के लिए ही है। दोस्तों, लद्दाख कि इस एरिया की खूबसूरती कैमरे में कैच करके नहीं दिखाई जा सकती, आपको यहाँ एक बार आना पड़ेगा। आप यहाँ एक बार आइए, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ आइए, बहुत पीसफुल एरिया है, कोई डरने की बात नहीं, बहुत खूबसूरत एरिया है, लोग बहुत अच्छे हैं, आप बड़े इजी आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जहाँ दिल करता वहाँ टेंट लगा कर अपना आराम कीजिए, अपना इंजॉय कीजिए, कोई कुछ नहीं बोलेगा। और आर्मी हर जगह आपको मिल जाएगी आपकी हेल्प के लिए, अगर कोई दिक्कत है तो।
इस बार टूरिस्ट ज़्यादा आया, मुझे यहाँ के लोकल लोग बता रहे थे कि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आया क्योंकि कोविड की वजह से बंद थे और लोग अब थोड़ा लद्दाख की तरफ आने लग गए हैं। ऐसे ब्रिज बहुत बने हुए हैं जो झूला टाइप होते हैं ना, जब इनके ऊपर चलते हैं तो थोड़ा ये हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं। बीआरओ वालों की बहुत ही बीआरओ वालों ने बहुत खूबसूरत रोड बनाए हुए हैं, उनके लिए एक रूट तो बनता है। दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं, ये कैंप बोलते हैं इसको, ये छोटा सा विलेज है और अब हम तकरीबन थांग विलेज के पास ही पहुंच चुके हैं। जो सामने पहाड़ आप देख रहे हैं वो पाकिस्तान का है बिल्कुल स्ट्रेट। दोस्तों हम ये कैंप एरिया है, इसको कैंप बोलते हैं। अब तकरीबन जो थांग विलेज जीरो पॉइंट है यहाँ से 1 किलोमीटर है। दोस्तों ये जो थांग विलेज है ना, ये पहले पाकिस्तान में था। जब 1971 में हमारी पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ ना, तो उस वक्त हमारी इंडियन आर्मी ने ये गांव कैप्चर कर लिया था, तब से ये गांव इंडिया का हिस्सा है। यहाँ इस गांव में तकरीबन 15 से 20 घर होंगे। तो यहाँ से अब हम पैदल चल के जाएंगे आगे जीरो पॉइंट तक। ये थंग विलेज है, यहाँ तकरीबन 15-20 घर हैं ऐसे, और इन लोगों लोकल लोगों का जो रोज़गार है वो यहाँ पर छोटी छोटी इनकी शॉप्स हैं, जो रेस्टोरेंट टाइप है, चाय नाश्ता वगैरह मिल जाता है। थोड़ा पैदल चल के जाना पड़ता है। साहब भाई हमारे ये मेरे पार्टनर है, मेरे साथ ही रहते हैं ये। तो ये आप देख रहे हैं सामने एक हारून विलेज है, वो पाकिस्तान में है, और ये जो थंग विलेज है हमारे इंडिया का हिस्सा है। ये लिखा देखिए 17 दिसंबर 1971 को हमने कैप्चर किया था जी इंडियन आर्मी ने। और ये जो सामने पहाड़ देख रहे हैं, ये एक किस्म की बॉर्डर लाइन है, इसकी दूसरी तरफ पाकिस्तान है और इस तरफ हमारा इंडिया है। और थोड़ा यहाँ से 0.5 मीटर आगे नो मैन लैंड एरिया है, वहाँ कोई नहीं जाता क्योंकि वहाँ आर्मी वालों ने माइंस वगैरह लगा रखे होते हैं। वो सामने पाकिस्तान का बॉर्डर है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।